Hey, what's up, amazing graphers? I am SgR, as you all know, your phone wala grapher. So, yaar, video ko end tak dekhna kyunki video badi interesting rehne wali hai. So, without wasting any time, video ko hum start karte hain just after this. अपनी बात से स्टार्ट करते हैं यार. तो जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा ऊपर कि यार ये वीडियो रहने वाली है उन सब के लिए जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ फोटोग्राफर. तो उन सब के लिए क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्या मैं सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि यार अब आप अभी स्टार्ट करो, आप आज ही वीडियो आज ही चैनल क्रिएट करो अपना, इसी वीडियो के बाद में जाकर चैनल क्रिएट कर लो यार, क्योंकि यार वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है उसमें कोई चैनल स्टार्ट करने के लिए. बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए वीडियोस अपलोड करने के लिए, बस वो रहता है इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं है इसके अलावा. आप जाकर सिंपल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यार अब बात करते हैं कंटेंट क्या क्या रह सकते हैं एंड चैलेंजेस क्या रह सकते हैं. तो यार चैलेंजेस की बात करें तो यार चैलेंजेस हर एक को फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में. तो हर एक को एंड जैसे यूट्यूब चैनल में जो मेरे को लगता है वो सबसे पहला चैलेंज रहता है अपने फर्स्ट 1K, सबसे पहले तो फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर अचीव करना एंड देन 5K एंड देन मिनिमम 10K. ठीक है ना, 10K के बाद आपकी ग्रोथ मतलब काफ़ी हद तक ईजी हो जाती है, बट इतनी भी ईजी नहीं होती, बट काफ़ी हद तक आपकी ईजी हो जाती है ग्रोथ करना आपके लिए. तो वो रहता है चैलेंजेस. एंड यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं यार, जैसे काफ़ी डिसलाइक्स मिल जाते हैं वीडियोस को तो फिर लोग छोड़ देते हैं, लाइक्स नहीं आते हैं, व्यूज़ वगैरह नहीं आते, सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ती है एक दो महीने में, मतलब बहुत कम बढ़ती है, तो मतलब ना के बराबर बढ़ती है, तो लोग छोड़ देते हैं उसको. तो ऐसा मत करना यार, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो क्या पता आपके जो चैनल के अगर चैनल के सब्सक्राइबर्स वगैरह है वो कल को बढ़ जाए एकदम से, क्योंकि यार कुछ भी हो सकता है यूट्यूब के गेम में, कुछ भी हो सकता है. आपकी एक वीडियो वायरल हो सकती है, आपकी एक वीडियो जीरो पर भी रह सकती है. तो यहाँ पर आपको ऐसे कभी अपनी होप नहीं छोड़नी है, तो अपने कंटेंट बनाते रहो, कंसिस्टेंसी बना के रखना. यहाँ पर कंसिस्टेंसी तो हर एक चीज़ में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है अपने. अगर आपको मेरा जो मानना है कंसिस्टेंसी को लेकर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. तो अगर आपको सक्सेस होना है तो यार कंसिस्टेंसी बना के रखना, कंसिस्टेंसली कॉन्टेंट क्रिएट करते रहना, डालते रहना यूट्यूब पर, चाहे यूट्यूब हो या चाहे आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, कुछ भी आपका पैशन हो, तो आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आप सक्सेस की हाइट तक पहुंच पाओगे यार. वरना आपको आई एम रियली सॉरी, आपको कोई नहीं बचा सकता, बट कंसिस्टेंसी रहना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, सिंपल. तो अब बात करते हैं यार कॉन्टेंट, जैसे कॉन्टेंट में आप क्या कर सकते हो. मेरा एक आइडिया है यार ये, तो आप यहाँ पर जैसे मैंने देख रहा हूँ नोट पैड है, मैंने अपने ये सब लिखा हुआ है कंटेंट में लो क्या बोलना है. तो आप सिंपल ऐसे क्रिएट कर सकते हो एंड आप इजीली टॉक कर सकते हो अपने ऑडियंस के साथ में. एंड अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यार देखो इन्वेस्टमेंट में और क्या क्या लग सकता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में. जैसे आप यहाँ देख लो मेरा यहाँ पे माइक है, माइक आप ले सकते हो. माइक कितने का आता है, आई थिंक सो 250 तक का जाएगा, 250 मैक्सिमम 300 जो चीपेस्ट वाला है. ये मेरा चीपेस्ट वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं इसका परचेज लिंक का, वहाँ से परचेज कर सकते हो इजीली. एंड यहाँ पर आप लाइट का यूज कर सकते हो, लाइट का मैं दिखा देता हूँ आपको. जैसे मैं इस फोन से दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे सेटअप पर रखा है, देख सकते हो आप. यहाँ पे पीछे से मैंने कुछ नहीं, पीछे विंडो वगैरह कर्टन्स वगैरह मैंने हटा रखे हैं एंड सामने से बिल्कुल एकदम से यू कैन सी नेचर, बिल्कुल नेचुरल लाइट आ रही है. साइड से यहाँ पे मैंने गेट ओपन कर दिया लिविंग रूम का अपना, तो यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ से मतलब. एंड यहाँ से आप देख सकते हो मैंने एक येलो लाइट लगा रखी है जो मैंने खुद बना रखी है, देख सकते हो यार मैंने पीवीसी पाइप वगैरह यूज़ करके बना रखी है. यहाँ पे फोन से मैं शूट कर रहा हूँ यार वीडियो को एंड देख सकते हो ट्राईपॉड पर रखा है. सिंपल यार और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए. एंड आप सिंपल आप सिर्फ इस चीज़ों से, अगर आपको हाँ ये लाइट का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इसका ट्यूटोरियल बना दूंगा. एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाना चाहता हूँ. बट आप चाहते हो नहीं चाहते हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं बड़ा हैप्पी फील करूंगा आप सबके लिए ट्यूटोरियल बनाने में. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो यार अब यहाँ पे बात करें सिंपल कंटेंट क्या डालोगे आप, क्या क्या डाल सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल. तो यार सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है एडिटिंग ट्यूटोरियल्स का. आप यहाँ पे अपने एडिटिंग ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो. अगर आपकी एडिटिंग में आपको इंटरेस्ट है, आपकी एडिटिंग अच्छी है, तो आप अपने एडिटिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हो. हाँ यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी एडिटिंग है तो आप तभी डालो, ऐसे नहीं. अभी गंदी एडिटिंग है तो आप डालो यार, ज़्यादा क्या होगा, आपको डिसलाइक्स मिलेंगे. बट आप धीरे धीरे ऐसे डालते जाओगे, आपकी खुद आप देखोगे आपकी स्किल्स खुद इंक्रीज होती जाएगी,
तो वहाँ पे आपके प्लस पॉइंट है। आप अगर लोगों से आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको एडिटिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपनी एडिटिंग अच्छी करनी है तो यहाँ से आप इजीली अपना एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड अच्छी कर सकते हो। तो आगे जो रहता है वो रहता है कि यार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो जैसे मैं अपने नोट्स तैयार करता हूँ, नोट पैड में लिख लेता हूँ अपने कंटेंट वगैरह जो मेरे को लाना होता है फिर नेक्स्ट वीडियोस वगैरह में, तो वो सब यहाँ पे लिखा होता है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये सब लिखा है। तो मैं बात करता हूँ यार अगले की, तो यहाँ पे आप अपने फोटोग्राफी आइडियाज टिप वगैरह शेयर कर सकते हो। मतलब मैं ऐसे फोटो क्लिक करनी है, ये फोटो ऐसे क्लिक करनी है, पोर्ट्रेट के जो टिप्स वगैरह है आप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हो फोटोग्राफी रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी यहाँ से कि फोटो ब्लॉग कर सकते हो। जैसे आप कोई फोटोशूट पे गए हो, जो फोन से हो चाहे या डीएसएलआर या फोन कैमरा कुछ भी हो, आप वहाँ पे गए एंड वहाँ से आप अपना व्लॉग शूट कर सकते हो इजीली सिंपल। आप मतलब कैसे शूट कर रहे हो वो सब दिखा सकते हो, क्या ये कंडीशंस में आप शूट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हो, तो वो सब आप व्लॉग में दिखा सकते हो। एंड आप यहाँ से अपने नॉलेज जो भी आपको नॉलेज आती है लाइक बेसिक ऑफ फोटोग्राफी हो गया, जैसे ISO वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, तो उनको आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ में। आप यहाँ से अपने खुद का कोर्स क्रिएट कर सकते हो फोटोग्राफी रिलेटेड। आप कुछ भी कर सकते हो रिलेटेड फोटोग्राफी, जो भी आपको नॉलेज है आप वो शेयर करो। बेस्ट ऑप्शन ये है, जो आपको नॉलेज जितनी भी आपको नॉलेज है वो शेयर करो। आप एक साल बाद देखोगे, छः महीने बाद, एक साल बाद देखोगे, जितने भी आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी, आपकी जो आप नॉलेज शेयर करते हो वो आपकी डबल होती जाएगी उतनी। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यार आई थिंक यू शुड स्टार्ट द यूट्यूब चैनल एंड आपको अपनी नॉलेज के लिए, अगर आपको फोटोग्राफी सही में आप सीरियस ऑफ इस करियर ऑप्शन के लिए सीरियस हो रियली में और इसमें सही में ग्रो करना चाहते हो, चाहे आप फोन हो चाहे DSLR हो चाहे कुछ भी हो, मतलब आप एक नीच पकड़ लो। जैसे फिलहाल मैंने दिखाया कि मैं फोन से शूट कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास DSLR नहीं है, बट फोन से भी आजकल कंटेंट काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। आप हाँ इसमें आप फोन से शूट कर सकते हो। इसीलिए अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सोचने लगाते हैं जो भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, यार DSLR तो है नहीं मेरे पास, मेरी क्लैरिटी अच्छी नहीं आएगी। तो यार फोन से आप अच्छे से शूट करो। हमने देखा, जैसे मैंने दिखाया अभी आपको, मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा था अपना, क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा है एज कम्पेयर टू बैक कैमरा। तो यार मेरा फ्रंट कैमरा अच्छा है, तो आपको अपने मतलब फोन कैमरे की पहचान होनी चाहिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट्स कह लो या फिर ये कह लो कि उनकी ताकत क्या है, वो अपना बेस्ट वर्क कहाँ से दे सकता है, बैक कैमरे से या फ्रंट कैमरे से, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं अब इंस्टाग्राम पर चेक करो मेरी फोटोज, यार मैं काफ़ी फोटोज अपने फ्रंट कैमरे से ही क्लिक करता हूँ एज कम्पेयर टू बैक कैमरा मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी में। फ्रंट कैमरा मैं बहुत रेयर यूज़ करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी में, पर यूज़ करता हूँ। एंड बाकी आप खुद चेक करो मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का हैंडल आप मेरा यहाँ पर देख सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इन केस यू रियली लाइक द वीडियो तो हिट द लाइक बटन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे को फॉलो करो। एंड आई बटन पर मैंने जिसको लाइट रूम सीखना है मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, ऊपर आई बटन पर पॉपअप हो जाएगी, वो जाकर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन ही मेंशन है। तो पूरा कोर्स अवेलेबल है लाइट रूम का, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो जाकर देखो यार, इजिली अवेलेबल है, तो जाकर देखो एंड मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना। फाइनली बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।